भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाना है। आपको बता दें कि दोनों ही मुकाबले भारत जीतते हुए इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है। पहले मुकाबले में जहां भारत ने रिंकू सिंह की अंत में शानदार बल्लेबाजी के चलते जीत हासिल की थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में हाथ दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े अंतर से हार का सामना करवाया था। लेकिन अब तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि दूसरे मुकाबले में मैक्सवेल और जैम्पा को टीम में जगह मिली थी, लेकिन दोनों ही रंग नहीं छोड़ पाए थे। तो वहीं भारत के यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह शानदार फॉर्म में हैं। हालांकि गेंदबाज थोड़े रन ज्यादा लुटा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण मौकों पर वो विकेट हासिल करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हुए जीत दिला रहे हैं। तो वहीं मुकेश कुमार की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नेस्तोनाबूद किया है। गुवाहाटी में आज खेले जाने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करती हुई नजर आ सकती है। मैथ्यू शॉर्ट, इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, कई बड़े ऐसे नाम हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय युवा टीम के सामने वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कमबैक करते हुए जीत हासिल करते हुए सीरीज में जहां बने रहने की कोशिश करेगी, तो वहीं भारत जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ये T20 सीरीज खेल रही है, वह जीत के साथ ही सीरीज पर अपना कब्जा जमाते हुए भी नजर आ सकती है। लेकिन गुवाहाटी का मुकाबला जैसे पहले दोनों मुकाबले खेले गए थे वो बल्लेबाजों के अनुरूप थे, 200 से ज्यादा का स्कोर यहाँ पर बना था, लेकिन गुवाहाटी का मुकाबला काफी रोमांचक रह सकता है बल्लेबाजों के साथ ही गेंदबाजों को भी, या काफी मदद मिल सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया तीसरे T20 में कमबैक करती है या भारत जीत हासिल करते हुए सीरीज पर अपना कब्जा जमाती है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।